उत्तर प्रदेश में जारी बिजली कर्मियों की हड़ताल आज रविवार को खत्म हो गई। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने हड़ताल आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया। बता दें कि प्रदेश में 65 घंटे से अधिक समय तक चली आंदोलन से जनता परेशान थी। आज रविवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और बिजली कर्मचारी नेताओं के बीच तीसरे राउंड की बैठक में बात बनी। ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से कहा कि प्रदेश में जहां भी विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है वहां इसे शीघ्र संचालित किया जाए। इसी के साथ जो भी कर्मचारी कार्यस्थल पर ना हो वो कार्यस्थल पर पहुंचकर अपने दायित्वों को निभाएं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि संघर्ष समिति का ये आंदोलन खत्म करने के लिए धन्यवाद है। वो तत्काल अपने कर्मचारियों को ये निर्देशित करें कि वो अपने कार्यस्थल पर पहुंचें और व्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण में लें। जनता की सेवाओं को फिर से जल्द बहाल किया जाएगा। बिजली कर्मचारियों ने कई राउंड में बातचीत की है, उसको लेकर कुछ लिखित आश्वासन दिया गया है। कुछ बातों का लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है, लेकिन उन पर भी विचार किया जाएगा। जो कार्रवाई इस बीच बिजली कर्मचारियों के खिलाफ हुई है उन्हें भी सरकार वापस लेगी। इसको लेकर UPPCL के चेयरमैन को निर्देशित किया गया है। गौरतलब है कि यूपी में बिजली कर्मचारियों की ओर से जारी कार्य बहिष्कार के चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई जगहों पर सड़क जाम करने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही थीं, जिसके बाद लगातार ऊर्जा मंत्री एके शर्मा संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ बातचीत और बैठक कर रहे थे। इसी बीच ये निर्णय लिया गया कि कार्य बहिष्कार को लेकर 72 घंटे का जो ऐलान हुआ था उसे एक दिन पहले ही वापस लिया जाएगा। वहीं इस बीच ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस दौरान जो भी कार्रवाई बिजली कर्मचारियों पर हुई है उसे वापस लिया जाएगा। शैलेंद्र दुबे ने ऊर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद कर्मचारियों से अपने काम पर लौटने की बात कही।